अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपके दुआ से हम सब भी बिल्कुल ठीक। रमज़ान का पहला जुमा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान का 3 रोज़ा अच्छे से गुजर गया है, चौथा रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खरगोश के बच्चे को खाना दे रही हूँ। हाँ दे दो। हाँ, मांग रहा है देखो। हाँ मुझे बहुत मांगता है। तुम देती हो ना इसको खाना, इसीलिए तुमसे मांगता है। इसको पता है कि मुझे बहुत दिन से मुझे रखी है पिंजरा में, मुझे बहुत। पिंजरा में नहीं रखा जाएगा तो बिल्ली लेकर चला जाएगा। इसकी माँ को देखो कैसे मार दिया बिल्ली। हाँ बहुत मार दिया बिल्ली ने, मार दिया मुझे बहुत। इसका याद ये बिल्ली खाली दिख जाए ना इसका, इसमें मारेंगे ना चला जाएगा खाली से। बिल्ली को मारा नहीं जाता। जान से मार दूंगी। नहीं गलत बात, बस भगाया जाता है उसको। बस भगाया जाता है, मैं उसको मारूंगी। कितना प्यारा है उसको था, बच्चा देखा था हम लोग को। ये क्या, अरे चुप हो जाओ तुम। गिलहरी बोल रहा है गिलहरी। अरे चुप हो जाओ, मैं कान फाड़ दिया है इसने। प्यास लगाए तो पानी पीने के लिए आया है। बकरा को खाना मिल गया है, बकरा खाना खा लिया है। फ्रेंड्स तो आप सबको दिखाती हूँ अदीबा नानी के साथ बैठकर क्या कर रही है। नानी तेरी मुर्नी को मोर ले गई, बाकी जो बचा था सारे चोर ले गई। मुर्गा मुर्गी को खोल दिया गया है, खाना दे दिया गया है तो खाना खा रहा है। रमजान का चौथा रोजा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। गिलहरी को देखिए खाना खाने के लिए नीचे उतरा। वहाँ गिलहरी खा रही है, यहाँ हम यहाँ पर चलते हैं। हाँ दो दीवा को देखिए दुपट्टा से खेल रही है। बगीचे में टहल ली हूँ, अब जा रही हूँ किचन में। तो आ गई हूँ किचन में, पहले किचन की सफाई कर लेती हूँ। किचन की सफाई हो गई है तो अब जा रही हूँ चना और दाल को फूलने के लिए डाल देती हूँ। चना और दाल को फूलने के लिए डाल दिए हैं। देखिए गाइस तो मकई छोड़ा रही हूँ कि हमें आटा इसका पिसाएगा, ये दर्रा होगा इसका खस्सी का। वहाँ देख रहे जमीने है इसलिए दर्रा होगा इसका, खाया नहीं जाता जीरा हुआ। देखो और करी ना तर सोनू और भाई चला गया है नमाज पढ़ने के लिए और मैं भी अब जा रही हूँ नहाने के लिए। तो ऐसे मैं हाथ से नहीं खाऊँ, तो अपने देखते हैं खा लो। अब तुम्हारी बारी है, इतनी खाना नहीं चाहिए मैं तुमको। मुझे पता है ज़्यादा तुम्हारा ज़्यादा करता हूँ, ज़्यादा था तुम ज़्यादा थी। एक बार में एक पत्ता दो पत्ता खाओ, मेरे हाथ से छीन लिया और लकड़ी फेंक दिया। मैं फेंक देती उसको उधर, क्यों फेंकने का जरूरत है। मैं देती हूँ और ये बहुत सारा पत्ता। अब ये देखते हैं चौथा चैलेंज है, ये चैलेंज है दो बार का। अब दोस्तों वो जीतता है या ये खाने वाला जीतता है, फतेह दिया खाने। अब तुम सोंगो के खाली। फ्रेंड नहा कर आ गई हूँ छत पे कपड़ा डालने के लिए, बहुत तेज धूप है। स्टार्ट स्टार्ट, देखते किसका बकरा जीतता।
स्टार्ट खाओ। सफेद वाला जीतेगा, वो देखो कितना जल्दी खा रहा है। नहीं नहीं काला वाला जीतेगा, मेरा काला जीतेगा, मेरा बकरा जीतेगा, मेरा बकरा जीतेगा, जीत गया मेरा बकरा। मेरे पास तो बस इतना ही है, एक बार पूरा कर कपड़ा डाल दिए है छत पे, अब जा रही हूँ नमाज पढ़ने के लिए। माय यूट्यूब फैमिली, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग वीडियो देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ। फिर नमाज़ पढ़ ली, अब जा रही हूँ किचन में इफ्तार की तैयारी करने के लिए। फ्रेंड तो आ गई हूँ किचन में, तो अम्मी बोली है साग बनेगा आज, तो साग को अम्मी काट रही है और मैं जा रही हूँ प्याज काट लेती हूँ। फ्रेंड साग बनाने के लिए जा रही हूँ, तो पहले साग को अच्छे से धो लेती हूँ। साग को अच्छे से धो लिए और कढ़ाई चढ़ा दिए, प्याज लाल हो गया है तो इसमें साग डाल देती हूँ। साग बन गया फ्रेंड, तो साग बन गया है, तो अब जा रही हूँ चावल और दाल बना लेती हूँ। इस तरफ दाल बनने के लिए डाल दिए, दूसरी तरफ चावल चढ़ा दिए। फ्रेंड चावल और दाल बन चुका है, तो अब जा रही हूँ चना बनाने के लिए। फ्रेंड चना को अच्छे से धो लिए हैं और कुकर चढ़ा दिए हैं, अब इसमें चना बना लिए। प्याज लाल हो गया है तो इसमें चना डाल देती हूँ। सारा मसाला डाल दिए, टमाटर डाल दिए, अब अच्छे से भून लेती हूँ और पानी डाल दूँगी। फ्रेंड चना को अच्छे से भून कर उसमें पानी डाल दिए हैं और कुकर को सेट कर दिए, तो अब जा रही हूँ दाल को अच्छे से धो लेती हूँ और दाल को पीस लेती हूँ। फ्रेंड दाल को अच्छे से धो लिए, अब जा रही हूँ पीस लेती हूँ। फ्रेंड इस तरफ चना बन रहा है, दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ा दी, अब जा रही हूँ कढ़ाई में चूरा फ्राई कर लेती हूँ। फ्रेंड चूरा फ्राई हो गया तो गैस को बंद कर देती हूँ। दाल में सारा मसाला डाल दिए, अच्छे से मिक्स कर लिए और तेल गर्म होने के लिए तवा पर डाल दिए। तेल गर्म हो गया है तो फटाफट कचरी बना लेती हूँ। फ्रेंड कचरी बन गया है, तो बैंगन को काट लिए हैं और बेसन का घोल भी बना लिए, तो जा रही हूँ अब बैंगनी बनाने के लिए। इफ्तार का वक्त हो गया है तो इफ्तार कर लेती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ। फ्रेंड इफ्तार कर लिए, नमाज पढ़ लिए, अब आ गई हूँ किचन में और किचन की हालत देखिए कैसी है। किचन को साफ कर लेती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ। आलू अंडा को उबाल दिए, अब इसको छील कर जा रही हूँ सब्जी बना देती हूँ। आलू अंडा को छील लिए हैं और कढ़ाई चढ़ा दिए, तेल गर्म हो गया है तो इसमें अंडा फ्राई कर लेती हूँ। अंडा फ्राई हो गया है तो अंडा को निकाल लेती हूँ। अंडा को निकाल लिए, अब आलू फ्राई कर रही हूँ। फ्रेंड सहरी के लिए उठ गई हूँ और आ गई हूँ किचन में दूध गर्म करने के लिए। दूध गर्म हो गया है फ्रेंड, तो सब सहरी में आज खाएगा दूध और ब्रेड, तो निकाल दिए और लेकर जा रही हूँ सबके लिए। सबको देकर आ गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ सहरी करने के लिए। सहरी कर लेती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ। फ्रेंड सहरी कर लिए हैं और अजान का इंतज़ार कर रही हूँ। अजान हो जाएगा, नमाज पढ़ लूँगी, फिर जाऊँगी सोने के लिए। फ्रेंड अजान हो रही है लेकिन आवाज़ बहुत कम आ रहा है।